फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माता दुर्गा। दोस्तों आज हम इस डेक से देखेंगे कि 11-11 अपकमिंग पोर्टल की क्या एनर्जीज रहने वाली है कलेक्टिव लेवल पे। ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे लोगों पर क्या इसका असर होने वाला है, उनके जीवन में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, उनके जीवन में क्या चेंजेस होने वाले हैं और ये एनर्जी पोर्टल हमारे लिए क्या लेकर के आ रही है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियोस को लाइक कर दे प्लीज, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें कि 11-11 पोर्टल की क्या एनर्जीज रहने वाली है। बहुत ही एनर्जीज जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और एनर्जी पोर्टल जो होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जी वाइब्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। सो, मुझे एक एक करके कार्ड्स दीजिए अंजल। सो, हम आप लोग प्रे कीजिए कि अच्छी एनर्जी आए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे एनर्जी लेवल से जुड़ने के लिए या एनर्जी वाइज जुड़ने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी रीडिंग की भी एनर्जी जो है वो इसमें आ सके। सो, तो फर्स्ट कार्ड है सक्सेस से स्टार्ट हुआ है, यानी कि इस एनर्जी पोर्टल में बहुत लोगों के लिए ये सक्सेस लेकर के आएगा। नंबर 6 का कार्ड है, रीयूनियन का हो सकता है। शुक्र राशि यहाँ पर बहुत ही वीनस इंपॉर्टेंट है, तो वीनस जो होता है वो रीयूनियन को, प्रेम को, प्यार को लेकर के आता है, पैसे को लेकर के आता है, गुड लक को लेकर के आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये 11-11 पोर्टल बहुत ही सक्सेसफुल रहना है। ढेर सारे मनीज, हम मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत लोगों के पास बैंक अकाउंट जो है वो भरने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं। किसी न किसी प्रकार से आपको किसी न तरह से आपको फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इस एनर्जी पोर्टल से आपको लाभ मिलने वाला है। यानी सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर, सक्सेस जो कि एक हर फील्ड में सक्सेस को दर्शा रहा है। सो, नॉट ओनली द मनी, हमारे लाइफ के हर एक सेक्टर में ये सक्सेस दिखाया जा रहा है कि हमारे लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस आने वाला है, हमारे व्यूवर्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आने वाला है। सेकेंड कार्ड है पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल अब तक हो लग रही हैं, जो आपको लग रहा है कि ये काम नहीं होगा, वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा। नंबर 2 है यहाँ पे, नंबर 2 जो है वो गो हेड का कार्ड है, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूँ या एंजल नंबर की बात करूँ तो, जो कि मुझे मेरी अवेकनिंग में जो मुझे समझ में आया, तो ये जो है वो पॉसिबिलिटीज यानी काम के आगे बढ़ने का, ये सक्सेसफुल तरीके से बढ़ने का ये कार्ड है। ये एक एश्योरेंस कार्ड है कि आप जो भी काम जिसमें लग रहा है आपको ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो देर इज सो मेनी ऐसे, मतलब जो टास्क होंगे या वर्क होंगे, सो मेनी वर्क जिसमें आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल होगा और होने वाला है बहुत जल्द। सो, यहाँ पर जो एनर्जीज जो है बहुत ही अच्छी निकल के आई हैं। सो, 11-11 पोर्टल खुशियों का पोर्टल है, 11-11 पोर्टल ग्रोथ का पोर्टल है, 1111 जो पोर्टल है वो ग्रोथ का पोर्टल है। और यस, द सोर्स का कार्ड है, सोर्स यानी सन। सन जो हमारे यहाँ जो है लाइट, हमारे पृथ्वी पर जो है लाइट का सोर्स ही सन है, हमारे जीवन का स्रोत ही सन है, हमारे जीवन का आधार ही सूर्य है। अगर सूर्य ना हो तो जीवन संभव ना हो सकेगी। तो यहाँ पर हमारे लाइफ में भी ऐसा है कि जो एक ऐसा सोर्स मिल सकता है हमारे लाइफ में, जिससे कि हमारी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ सकती है, एक बहुत ही बड़ा सोर्स, एक बहुत बड़ा मनी जॉब सोर्स जब आ जाता है आपके हेल्प के लिए आपके लाइफ में, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे सोर्स जो है 11-11 पोर्टल जो है वो लेकर के आ रहा है, जो बहुत सारे ऐसे हेल्पफुल पीपल आपसे जुड़ सकते हैं, जो आपकी मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, और जो आपका काम नहीं हो रहा है वो काम हो सकते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भी देखते हैं। पेशेंस,
बहुत लोग ना पेशेंट होंगे या फिर बहुत सारे लोगों के लिए जो है नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11-11 पोर्टल है, किसी की प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है, तो कोई प्रेग्नेंट हो सकता है या किसी की बेबी हो सकती है, कोई जो है कंसीव कर सकते हैं यहाँ पर। तो 11-11 पोर्टल जो है वो पेशेंस रखने का है, किसी के लिए जो है पेशेंस रखना है। और यहाँ पे बर्थ की एनर्जी आ रही है, तो पेशेंस रख के कोई नया चीज स्टार्ट होने वाला है, कोई नया जीवन फिर से स्टार्ट होने वाला है। कोई ऐसा कर सकते हैं कि अभी जस्ट आपका ल्यूनर इक्लिप्स बीता है, ल्यूनर की एनर्जी जो दिख रही है, ल्यूनर की एनर्जी के बाद 11-11 पोर्टल और यहाँ पर एक बर्थ की एनर्जी आ रही है, तो आपके लाइफ में बेबी को लेकर के अगर आप सोच रहे हैं, कंसीव करने का सोच रहे हैं या बेबी प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी चांसेस कि आप कंसीव इस मंथ में कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो मैरिड पीपल है उनके लिए ये है कि कंसीव अगर करना चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, तो इस मंथ में देयर इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज की वो कंसीव कर लेंगे। सो चलिए देखते हैं कि और 11-11 पोर्टल में क्या निकल के आ रहा है, क्या चेंजेस होने वाले हैं कलेक्टिव लेवल पे। सो क्या चेंजेस होने वाले हैं कलेक्टिव लेवल पे, तो देखते हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अवेयरनेस, बहुत लोगों को अवेयरनेस आएगी यहाँ पे। नंबर 7 अगेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अवेयरनेस। बहुत लोग जो है ना अवेयर नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो उनके लिए क्या है ना, अपने पार्टनर को लेकर के अवेयरनेस है। जो लोग अपने पार्टनर को इग्नोर करते हैं या जिनके पार्टनर उनको इग्नोर करते हैं, उनके माइंड में एक अवेयरनेस आएगी कि यस दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी एंड मुझे इसके लिए ही एक्शन लेना है, इसके लिए ही आगे बढ़ना है, यही मेरे लाइफ में सब कुछ है, इस बात को लेकर के अवेयरनेस आ सकती है। कुछ लोगों के लिए इसलिए भी अवेयरनेस आ सकती है कि उनका सोल पर्पस क्या है, वो कौन है, वो क्यों आए हैं इस धरती पे, इस चीजों को लेकर के भी उनकी सोल जागृति भी हो सकती है। किसी किसी की अवेकनिंग हो सकती है यहाँ पे, अपने सोल की तलाश में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हम कह सकते हैं इसको, कि अपने आप को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग। स्पिरिचुअल असेंशन हो सकता है यहाँ पर, या एक कहते हैं, ये कह सकते हैं कि जीवन और मृत्यु के बारे में भी एक, या कर्मा साइकिल के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक नॉलेज हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है, तो चलिए और हम देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। 11-11 पोर्टल हमारे लिए क्या लेकर के आने वाला है। सो देर आर सो मेनी चांसेस कि हमारे लिए 11-11 पोर्टल हमेशा ग्रोथ ही लेकर के आता है और सबके लाइफ में लेकर आएगा। सो आई प्रे टू यूनिवर्स कि सभी का लाइफ बहुत ही अच्छा बीते और एक पॉजिटिव चेंज आए 11-11 पोर्टल में। सो 11-11 पोर्टल जो है इनोसेंस, यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा किसी पे कोई इल्जाम लगे हैं, कोई यहाँ पे 19 नंबर है, नंबर 1 है यहाँ पर। सो नंबर 1 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 19 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ जिसका इल्जाम आप पर लग गया, तो यहाँ पर आपकी इनोसेंस प्रूफ होगी, आप कितने इनोसेंट हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में आपने गलती नहीं की है, आपकी इनोसेंट प्रूफ होगी कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं और जो आपको जो तकलीफ दे रहा है उसकी गलती है, उसको रियलाइजेशन होगा और उसकी आपकी इनोसेंस का फील होगा कि आप कितने इनोसेंट आदमी, कितने सीधे हैं, कितने सच्चे हैं, और आपके बारे में लोगों को यह एहसास होगा या किसी व्यक्ति विशेष को यह एहसास हो सकता है कि आप कितने भोले हैं इस चीज का। किसी की जो गलती, झूठ मूठ का जो इल्जाम लग रहा है, उसकी सच्चाई बाहर आ सकती है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पे मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं और चेंजेस होने के चांसेस हैं। चलिए और देखते हैं हम कि क्या लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं 11-11 पोर्टल में। 11-11 पोर्टल में क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो यहाँ पे देयर आर टू कार्ड्स,
एक्सपीरियंसिंग नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, बर्थ डेट हो सकता है एक्सपीरियंसिंग। 11/11 पोर्टल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि नेगेटिव वाइब्रेशन से भी डील करते हैं। 11/11 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि ग्रोथ का पोर्टल है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, अगर आप लोग मेरे कंटिन्यू देख रहे हो, मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है वो कंटिन्यू ही देखते हैं, बाकी लोग तो देखते ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही इग्नोर कर देते हैं, तो प्लीज कंटिन्यू देखा कीजिए। फुल रीडिंग देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या निकल के आ रहा है। शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता कि क्या आपको बोला जा रहा है और क्या आपके लाइफ में चीजें होने वाली है। तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो है बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है, कुछ लोग निगेटिव वाइब्रेशन में भी है और वो एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस से गुजर सकते हैं। आई एम सॉरी कि मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पे आती है, जो मुझे फील होती है, मेरी साइकिक होने के कारण जो मुझे एनर्जी फील्ड में जो एनर्जी रिसीव होती है, मैं वही बोलती हूँ। कई लोग जो होते हैं वो निगेटिव एनर्जीज को सुन करके वो क्विट कर देते हैं या अनसब्सक्राइब कर देते हैं। सो ये निगेटिव एनर्जी मेरा वर्क है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको अवेयर करूं कि ऐसा हो सकता है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ये नहीं कहता कि ऐसा हो सकता है तो हो सकता है। आप यू आर द मास्टर सोल, आप मास्टर सोल हो। जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप अपनी एनर्जी को चेंज करने की ताकत रखते हो। अगर यूनिवर्स या कोई भी अगर आपके और निगेटिव वाइब्रेशन सेंड करता है, तो यू आर एबल टू चेंज योर एनर्जी, निगेटिव एनर्जी इंटू पॉजिटिव एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर बहुत लोग जो है बुरा एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है, तो उस एक्सपीरियंस से लेकर के उनको एक सबक मिल सकता है और एक एक्सपीरियंस होगा कि एक ऐसी चीजों मुझे यहाँ पे जो लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ग्रोथ था किसी चीज में। बिजनेस में भी हो सकता है ये ग्रोथ, कि बहुत ज्यादा बिजनेस में या फिर कोई बहुत ज्यादा अपने काम में मेहनत कर रहा है और धम से आकर के वो काम जो होता है ना, वो नीचे डाउन में चला जाता है। तो ऐसी एनर्जीज लग रही है, लेकिन फिर भी अभी बातें खत्म नहीं हुई है कि कुछ जो है डाउन में जरूर चली आई है, लेकिन अभी पूरा सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपको उससे एक्सपीरियंस सबक लेने की जरूरत है और आप जो है, ओ माय गॉड, मैनिफेस्ट कर रही थी, मनी के बारे में मैंने बताया और अभी जस्ट जो है मेरे अकाउंट में जो है मनी आया है, तो आई एम वेरी सरप्राइजिंग कि सक्सेस है, मनी है और ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है जो कि ये दिख रही है कि 11/11 पोर्टल में क्या होने वाला है। एंड थर्ड नंबर कार्ड इज द मनी, मैनिफेस्टिंग का कार्ड भी है। सो यहाँ पर जो है मनी आया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी जो मेरे अकाउंट में है, बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। चलिए देखते हैं। तो एक्सपीरियंसिंग जो है वो आपको यहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो कि मेरे चैनल पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग हैं ऐसे, जरूरी नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये नहीं कि आपसे ही आपकी ही एनर्जीज हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जीज है, आपसे जो रेजोनेट करता है बस आप वही रखें। जो आपसे रेजोनेट नहीं करता, अगर आप इस वाइब्रेशन में नहीं है तो अच्छी बात है। तो जो लोग इस वाइब्रेशन में है उनको एक से एक्सपीरियंस लेकर के सबक लेने की जरूरत है, एक लेसन सीखने की जरूरत है। कुछ लोग साइलेंट रहने वाले हैं, कुछ लोग इस 11/11 पोर्टल में शांत रख करके अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के कोशिश में लगे हुए हैं। नंबर 17 यानी 8 कर्मा का ये कार्ड है। नंबर 8 जो है वो शनि का कार्ड है, यानी कर्मों का कार्ड है। यहाँ पे मून साइकिल भी है और यहाँ पे फुल मून दिख रहा है। आप देख सकते हो कि अभी जस्ट फुल मून का ही चल रहा है, और फुल मून गया है, ल्यूनर इक्लिप्स गया है कल, और यहाँ पर जो है जो एनर्जीज है, कई लोग जो होंगे वो शांत हो जाएंगे इस एनर्जीज में। कई लोग हो सकता है कि अकेले में रहना पसंद करेंगे, कई लोग होंगे कि वो अपने कर्मों को एक ब्रेक देंगे, एक रेस्ट में जाएंगे और कर्म करने के जो चांसेस है, यानी जो काम धाम होगा उससे एक रेस्ट लेने के चांसेस है। कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स करने का जो है यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रहा है।
कुछ लोग रिलैक्स होंगे, कुछ लोग जो है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि जैसी एनर्जी में आप अभी रह रहे हो वही एनर्जीज आपको आगे भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो है साइलेंस आ रहा है, साइलेंस का कार्ड है। सो यहाँ पर एक और कार्ड है जो कि गिरा था, मैच्योरिटी का कार्ड। बहुत लोग यहाँ पे मैच्योर होंगे, कई लोग टीनेजर हो सकते हैं यहाँ पे, 18 से 30 के बीच उनकी एज हो सकती है, और वो अभी तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं। यहाँ पे मैच्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है 11-11 पोर्टल के बाद। आप या आपके पार्टनर यहाँ पे मैच्योर हो सकती है, उनकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ सकती है, उनकी ग्रोथ बढ़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉडी में हर एक जगह फ्लावर ही फ्लावर जो है वो ब्लोन हुए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होगे कि फ्लावर जो निकले हुए, ग्रोथ है एक तरह का चेंजेस है। तो हमारे जितने भी चक्रास होंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के चक्रास जो होंगे वो खुलेंगे। कई लोग जो होंगे कि मैच्योर ना होने की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठते होंगे, कई लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, कई लोग यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, कई लोग अपने विजडम पे काम नहीं कर पाते होंगे, कई लोगों में डर होगा। इन सब पर जीत होगी क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी की कार्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेनबो का कलर जो है, ये जो आपको कलर दिख रहा है और ये इतने सारे रंग बिरंगे फ्लावर दिख रहे हैं, एक तरह की एक अवेकनिंग का कार्ड है, एक तरह से एक चक्रास बैलेंसिंग का कार्ड भी इसे हम कह सकते हैं, एक चक्रा बैलेंस का। हर एक चक्रा बैलेंस हो गया यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग अपने एनर्जी लेवल में मैच्योर होंगे, वर्क फील्ड में मैच्योर होंगे, अपने लव लाइफ में मैच्योर होंगे, अपने इमोशन पे कंट्रोल करेंगे, अपने जो डर है डर पे जीत कर सकते हैं, अपने कोई जो होंगे वो सेक्सुअल जो उनकी डिज़ायर है उस पे कंट्रोल करने की उसके लेवल में जो है मैच्योर हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी ऐसी एनर्जीज है, तो यहाँ पे जो बहुत लोग जो होंगे वो मैच्योरिटी लेवल उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सो एक कार्ड्स और देखते हैं, एंजल क्या लेकर के बताना चाहते हैं 11-11 पोर्टल में, क्या आने वाला है 11-11 पोर्टल में, कलेक्टिव लेवल पे क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। सो यहाँ पे एक कार्ड से और एक नीचे गिरा है। वाओ, वी आर द वर्ल्ड, कलेक्टिव लेवल पर ये चेंजेस होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कलेक्टिव लेवल पे वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड लेवल पे जो है बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, प्रोग्रेस होने वाला है हर एक लेवल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चक्रा का सिंबल है, हर चक्रा के कलर्स हैं यहाँ पे, और कलेक्टिव लेवल पे है एंड वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। यानी सभी लोगों के ऑरा फील्ड में, सभी लोगों के नॉलेज में, विजडम में एक बहुत बड़ा चेंज होगा, एक वर्क प्लेस में चेंज होगा, और एक तरह की ना सोच बदलेगी, यहाँ पर सोच बदलेगी कलेक्टिव लेवल पे कि हम लोग मिलकर के इस पृथ्वी को, इस मदर अर्थ को कैसे हम शुद्ध करें, या फिर कैसे इसके लिए वर्क करें, कैसे ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करें, इस तरह की थॉट बहुत सारे लोगों के लिए आ सकती है। कैसे हम यूनिवर्स के लिए, बहुत सारे लोग जो होंगे ना कलेक्टिव लेवल पे ना, वो एनर्जी फील्ड से जुड़ सकते हैं, यूनिवर्स के से जुड़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, और नेचर में जा सकते हैं। बहुत लोग नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत लोग वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे बहुत लोगों की यहाँ पे हीलिंग हो सकती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वर्ड्स बर्ड बोल सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि जानवरों के प्रति, या मतलब उन चीज़ों को लेकर के जो है ना एक कनेक्शन फील होगा लोगों को, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो एक कनेक्शन फील होगा, एक मतलब एक लगेगा कि हाँ यूनिवर्स पर एक विश्वास क्रिएट होगा, और सभी लोग मिलकर के इस विश्वास को और मजबूत करेंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक चेंज होने वाला है अपने 11-11 में। ऑर्डिनरीज का कार्ड है, नंबर 8 अगेन है, यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, सोर्जनी का। ऑर्डिनरीज, अब तक जो आपको लग रहा था कि आप एक साधारण व्यक्ति हो, आप एक बहुत ही क्या कह सकते हैं हम उसको, डैशिंग पर्सनालिटी बन सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि आप एक आप में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप ना जो आपका रहन सहन, बोली भाषा, आपकी बोलने की जो कला है, आपकी जो रहने की कला है, वो सब में एक चेंज आएगा, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप जो पहले जैसे
थे, मतलब कि कमियों में एक रहना और एक बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में रहना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सूखे पेड़ में होते हैं उसमें पत्तियाँ नहीं होती है, और जो हरे बड़े पेड़ होते हैं उसी में फूल लगते हैं, उसी में फल लगते हैं। तो आप एक ऐसे अबेंडेंस पर्सन के रूप में क्रिएट हो रहे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होंगे उनके लिए खुशियाँ यहाँ पर मैनिफेस्ट होने वाली है। ऑर्डिनरीज आपको, आप सभी लोगों के बीच में आपको एक पहचान मिलेगी, आप पहले की तरह ऑर्डिनरी नहीं रहोगे, आपको एक नई पहचान मिलेगी, आपको भी लोग समझेंगे, जानेंगे, आपके वैल्यू को जानेंगे। यहाँ पे ये आ रहा है, और यहाँ पर एक है कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, ट्रैवलिंग का कार्ड है। कई लोग यहाँ पे घूमने फिरने जा सकते हैं, कि अपने पार्टनर से मिलने के लिए जा सकते हैं, उनके कह सकते हैं कि किसी शादी में, पार्टी में, फंक्शन में को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए है, ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। चलिए हम एंजेलिक गाइडेंस को भी देखते हैं, क्योंकि एंजल के मैसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंजल के जो एनर्जीज है और यूनिवर्स की जो एनर्जीज है उनकी गाइडेंस के बगैर हमारी रीडिंग कम्प्लीट जैसे लगता है होती ही नहीं है। कि उनकी रीडिंग अगर हमें मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, तो लगता है कि चलो एक सब चीज़ एक गुड वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और हमें मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। सो यहाँ पर जो कार्ड है वो है डबल मिशन चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। यस, मैंने कहा था कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी जो है वो अपलिफ्ट होगा, ह्यूमैनिटी लेवल पे कुछ वर्क होगा, लोग जो है ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करेंगे, लोग अपलिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे एंजल जो है ये एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि यहाँ पर डबल मिशन है। अगर जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए डबल मिशन है, हो सकता है वो जो वर्क कर रहे हैं वो तो उनका काम है ही, करें, बिल्कुल करें, जो भी आपका वर्क चल रहा है, लेकिन आपके लिए एक और मिशन है, आपको कुछ और भी करनी है। आप एक चैनलर हो सकते हैं, आप चैनलिंग कर सकते हो, या कोई वीडियो आप क्रिएट करते होगे, या अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, आपके लिए एक चैनलिंग है कि आप को ना मानवता के लिए कुछ काम करना है, आपको ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना है, ताकि इस पृथ्वी को और खूबसूरत बनाया जा सके। दूसरा है कि आपके लिए ये भी कार्ड है कि अपने आप को भी अपलिफ्ट करें, अपग्रेड करें। विदाउट अपलिफ्टिंग यू, विदाउट अपलिफ्टिंग योर एनर्जी, यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अपने लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिना आप खुद को अपग्रेड किए हुए, खुद को आप हाई एनर्जी में रखे हुए। तो सबसे पहले आपको खुद को अपग्रेड करना है। दूसरों को अपग्रेड करने से पहले खुद की एनर्जी पे काम करें, खुद को अपग्रेड करो, खुद को हायर वाइब्रेशन में रखें, तब किसी और के बारे में सोचें। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए तो काम करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको खुद को अपग्रेड भी करते रहना है। ये नहीं कि आपने खुद के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ आप मानवता के हित में काम कर रहे हो और अपने आप को जीरो कर लो, तो वैसा भी नहीं चलता। तो आपको जो है खुद को भी अपग्रेड करना है, और अपना जो कुछ परसेंट है अब मानवता के हित में भी लगाना है। यहाँ पे ये कार्ड निकल के आया है। चलिए एक कार्ड, और लॉन्ग रीडिंग है दोस्तों, उबिएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग जो है लॉन्ग रीडिंग देखना नहीं चाहते हैं। सो खुद को जो है अपग्रेड करना है 11-11 पोर्टल में। चलिए एक और कार्ड देखते हैं एंजल का, कि एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स, नो 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 नो, तो चलिए एक कार्ड सुना चाहते हुए भी गिर गया है। सो एक टेक अ ब्रेक, आपको कहीं घूमने जाने की जरूरत है, आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है। एक लाइफ वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। आपको ट्रेडमिल की तरह काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को साइड कर दो और खुद पे खूब वर्क कर रहे हो, खूब वर्क कर रहे हो। सो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ट्रेडमिल तो नहीं बनना है कि चक्की की तरह पिसे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, तो वो करने की नहीं जरूरत है। अलाइन योर लाइफ, पहले अपने लाइफ को ठीक करें। यहाँ पर भी मैंने वही बात बोली कि अपने लाइफ को ठीक करें, व्हाट इज नॉट अलाइंड और नीड टू चेंज। आपको अभी सोचने की जरूरत है कि आपको अपने जीवन में क्या बदलाव चाहिए, आपको उस चीजों को बदलने की जरूरत है, और आप उसे बदल करके जो है जो बदल के अपनी लाइफ को अपग्रेड करें। आपको ज्यादा जो है
इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के बारे में सोचना है और सक्सेसफुली आप अपने लाइफ को अपग्रेड भी कर लेंगे। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। और आई होप कि 11/11 पोर्टल आप लोगों के जीवन में बहुत 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 ही अच्छा हो और बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में मनी आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, लव आए। आई होप कि आपके सबके लिए जो है खुशियाँ लेकर के आए 11/11 पोर्टल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।